Hey guys, welcome to another video. आप देख रहे हैं फ्लाइंग बीच, मेरा नाम है गौरव। जैसे मैं रूम पे आया, मैंने देखा एक एयरक्राफ्ट आज क्रैश हो चुका है। फ्लोरिडा में ये क्रैश हुआ है। एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा था क्यूबा से फ्लोरिडा तक, बोइंग 737-800 एयरक्राफ्ट था। 136 पैसेंजर थे और 7 क्रू थे उसमें, तो टोटल 143 souls or people on board aircraft mein the. With 143 people on board, slid off a runway at Naval Air Station Jacksonville in Florida and into a river. Aircraft kya hua, land karne aaya, runway pe ruk nahi paya aur dusre runway ke end se wo nikal gaya रनवे को चीरते हुए और आगे जो एक रिवर थी वहाँ रिवर पे लैंड हो गया। हालांकि सब लोग सेफ हैं, किसी को जान माल का खतरा नहीं हुआ, सारे पैसेंजर्स और क्रू सेफ हैं। पानी के ऊपर जहाज़ लैंड हुआ, नेवल एयरफोर्स बेस था, रेस्क्यू ऑपरेशंस बहुत जल्दी वहाँ पहुँच गए और सबको उन्होंने बचा लिया। मायामी एयर करके कंपनी है जो कि चार्टर करती है प्लेन को, तो क्यूबा में कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स गए हुए थे, वो हफ्ते में 2 बार मायामी एयर की सर्विसेज लेते थे मायामी से फ्लोरिडा आने तक की, तो वही सर्विस ले रहे थे वो, और जैसे ही फ्लोरिडा लैंड हुआ ये दुखद घटना हो गया। The Navy says the Boeing 737 was carrying military personnel and civilians from the US Naval base at Guantanamo Bay, Cuba. The plane came to a stop in a shallow part of the St. John's River with a लेकिन अभी तक कुछ बहुत ही रीसेंट क्रैश है, अभी तक कुछ बताया नहीं गया है कि क्रैश को क्यों हुआ, रीजन क्यों हुआ। हाँ, ये बताया जा रहा है कि वेदर खराब था जब लैंड हुए, फ्लोरिडा के ऊपर वेदर काफी बना हुआ था, बट रनवे के बाहर निकल गया जहाज, बहुत ही दुखद चीज है यार। और जहाँ पे गया वो सेंट जॉन रिवर थी। तो यार कुछ पैसेंजर्स ने जो उसके अंदर थे बच तो सारे गए, तो किसी ने बताया कि बहुत हार्ड लैंडिंग हुई है, लेफ्ट राइट जहाज घूम रहा था और बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। उन्होंने ये भी बताया कि हमें ऐसा फील हुआ था दैट पायलट वाज नॉट इन कंट्रोल ऑफ द एयरक्राफ्ट। वी केम डाउन, द प्लेन लिटरली हिट द ग्राउंड एंड बाउंस्ड, इट वाज क्लियर द पायलट डिड नॉट हैव टोटल कंट्रोल ऑफ द प्लेन, इट बाउंस्ड अगेन। तो मैं आपको बताता हूँ कि उस बंदे ने क्या स्टेटमेंट दिया है। We had a really hard landing and then the plane bounced and screeched and bounced some more and it listed to the right and then it listed to the left. एक प्लेन जब रनवे के ऑफ या बाहर चला जाता है उसके कितने एक पॉसिबल रीजंस होते हैं, मैं आपको वो बताऊंगा। गूगल अर्थ की इमेजेस दिखाऊं, ये देखिए क्यूबा रहा ये और जैक्सनविल का एयरफोर्स स्टेशन रहा यहाँ पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे ये क्रैश हुआ है। हम थोड़ा जूम इन करते हैं इसमें, जैक्सनविल के नेवल एयरफोर्स बेस में चलते हैं। सो गाइस, ये जो देख रहे हैं ये है अपना रनवे, ये पूरा नेवल एयरफोर्स बेस है। प्लेन इस साइड से लैंड हुआ था और जाके इस तरफ जा रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पूरा पानी है, ये जो लिखा हुआ है ये देखिए, ये रनवे है। यहाँ से लैंड होके जहाज रुक नहीं पाया और सीधा यहाँ चला गया पानी में। ये है वो रनवे जहाँ पे जहाज ने अप्रोच बनाई थी, ये है रनवे 10। सो एयरक्राफ्ट वाज कमिंग ऑन लैंडिंग ऑन रनवे 10। यूजुअली जो होता है ये होते हैं टायर के मार्क्स, जहाँ पे आप देख रहे हैं रनवे के ऊपर ये जो रनवे जो एयरक्राफ्ट के टायर होते हैं उनका जो रबर होता है वो घिस के रनवे पे चिपक जाता है। दैट्स व्हाई दिस एरिया बिकम्स ब्लैक, बिकॉज यहाँ पे सारे एयरक्राफ्ट टच डाउन करते हैं। और ये पूरा रनवे, ओहो सॉरी, एंड दिस इज द एंड ऑफ द रनवे। तो जहाज जो है यहाँ रुक नहीं पाया, वो सीधा निकलता गया, सीधा निकलता गया यहाँ से, सीधा निकल के और वो चला गया यहाँ पानी में। गाइस, अब आपको बहुत फनी चीज बताता हूँ क्या हुआ। ये जहाज गया है इस नदी में, आपको याद होगा पहले एक इंसिडेंट हुआ था हडसन में, जो कि न्यूयॉर्क से एक प्लेन ने टेक ऑफ किया था, गिर दिया, गीज बहुत सारी थी उसके इंजन में घुस गई थी, दोनों इंजन फेल हो चुके थे, कैप्टन सली थे उस पर, उसकी मूवी बनी थी, बहुत लोगों ने शायद देखी होगी। उन्होंने टर्न किया, ही थॉट आई कैन नॉट मेक इट टू एनी रनवे एट न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क पे 3 एयरपोर्ट हैं, उन्होंने जहाज को हडसन पे लैंड करना समझा। तो वो उनके दिमाग में इतना भर गया था जो इंडिया के न्यूज़ चैनल्स पर दिखा रहे हैं कि ये प्लेन हडसन पे उतरा है। मतलब मुझे देख के इतनी हंसी आ रही थी, जो हमारे जर्नलिस्ट हैं बिल्कुल भी क्रॉस चेक नहीं करते न्यूज़ को। मतलब वो अगर CNN की साइट पे जाके ही एक बार सर्च कर लेंगे ना कि भाई कहाँ क्रैश हुआ था, तो अगर अपनी न्यूज़ पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, बिकॉज इट इज़ एम्बैरसिंग दैट वॉट टाइप ऑफ न्यूज़ द नेशनल टेलीविजन इज गिविंग टू एवरीबॉडी इन इंडिया। मैं आपको दिखाता हूँ, होल्ड करिए। बताया जा रहा है कि टेकऑफ के वक्त ये फिसल कर हडसन नदी में जा गिरा। अमेरिका में रनवे से फिसल कर एक विमान नदी में गिर गया है, खबर नहीं है। बोइंग 737 ये विमान है, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये वो विमान है जो कि रनवे से फिसल कर हडसन नदी में जा गिरा। हडसन में चला गया, वाह, फिसल कर हडसन नदी में जा गिरा है। और 136 यात्री जो कि विमान में सवार थे उन्हें सकुशल वहां से बाहर निकाल लिया। किसी भी तो कैसे देखा आपने इनको, मतलब ये फ्लोरिडा में हडसन रिवर कहाँ से आ गई, इनको यही ध्यान नहीं हो रही, पूरे इंडिया में न्यूज़ फैला रहे हैं हडसन नदी में गिर गया था। एनीवेज ये बात को छोड़िए, अब आपको मैं दिखाता हूँ गाइस, एक किसी बंदे ने सिमुलेटर का वो डाला है, क्योंकि फ्लाइट सिमुलेटर में अगर आप वो एयरपोर्ट चूज करें, एयरक्राफ्ट बोइंग 737 चूज करें, तो आप सिमुलेट कर सकते हैं कि उसमें क्या हुआ होगा। मैं चेतावनी देना चाहूँगा, ये थोड़ा ग्राफिक या वॉयलेंस हो सकता है, अगर किसी को आपत्तिजनक लगे तो प्लीज़ ये वाली क्लिप मत देखिए।
तो ये हुआ होगा उस दिन. उस दिन वेदर भी ख़राब था बिकॉज फोरकास्ट आ रहे थे कि वेदर ख़राब है. दिस वीडियो इज टेकन बाय बुल बॉस्फोरस, सो शॉट आउट टू हिम. दिस इज़ नॉट माय फुटेज, आई एम जस्ट बोरोइंग फ्रॉम हिम. ये रनवे 10 पे लैंड हुआ, बारिश उस समय थी. लॉन्ग लैंडिंग, इसमें एयरक्राफ्ट कह रहा है लॉन्ग लैंडिंग. ये बोइंग का सिस्टम है, मुझे बोइंग का तो नहीं पता, बट एयरबस में वैसा सिस्टम होता है. जब आप लैंडिंग के लिए आ रहे हैं, आपने फ्लेयर किया, मतलब एयरक्राफ्ट की नोज को उठाया ताकि मेन व्हील टच हो. सिस्टम वो काउंट करता है टाइम, थ्रेशोल्ड टाइम. जैसे मान लीजिए 7 सेकेंड, 8 सेकेंड, या उतने टाइम में आपका टचडाउन, आपने फ्लेयर इनिशिएट कर दिया, बट उस टाइम में अगर टचडाउन नहीं हुआ तो सिस्टम ये सेंस कर लेता है कि आप रनवे के सही पार्ट पे टचडाउन नहीं कर रहे. This is a long landing or a long float or a long flare. It tells the pilot that it gives an indication ki something is not going right and you might end up in a trouble. So ye wahi indication tha. 1000 feet remaining. 4000 remaining. 1000 remaining. 500 remaining. Caution on taxiway. Ye dekhiye, ye nikal gaya jahaz yahan se. Passengers ki awaaz aa rahi chikhne ki. Ab ye nikal ke यहाँ से चला गया रिवर में. ये जो जहाज़ था चला गया पानी के अंदर, और इंडिया में न्यूज़ आपने देख ली कितनी फनी होती. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार क्या रीज़न हो सकता है इसका. तीन रीज़न मेरे को लगता हो सकते हैं. जो नंबर वन और सबसे मेजर रीज़न है कि जो टचडाउन हुआ है रनवे का ठीक जोन में नहीं हुआ, क्योंकि जब हम अप्रोच के लिए लैंडिंग करते हैं देयर इज़ अ सर्टेन पार्ट ऑफ द रनवे जिसको कि हम टचडाउन जोन बोलते हैं. उसमें अगर टचडाउन ना हो तो हमें गो राउंड करना पड़ता है, हम उस पर लैंड नहीं कर सकते. दूसरा रीज़न हो सकता है गाइस, वेदर उस दिन ख़राब था. मैंने खुद भी फोरकास्ट चेक किया है एक दिन पहले फ्लोरिडा का, वहाँ बारिश हुई थी. तीसरी चीज़ हो सकती है लॉस ऑफ ब्रेकिंग, हो सकता है पायलट्स की ब्रेकिंग खराब हो गई एयरक्राफ्ट की, इसीलिए भी वो रनवे पर रुक ना पाया और रनवे के बाहर निकल गया हो. इट इज़ अ रीसेंट क्रैश, वी कैन नॉट से एनीथिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू मेरे हिसाब से वॉट इज़ द थ्री फर्स्ट रीजन्स विच कम टू माई माइंड. सो गाइस लेट मी एक्सप्लेन टू यू कि भाई क्या सीन होता है रनवे में लैंडिंग का. ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये रनवे है, रनवे 27 रनवे का नंबर है, रनवे का नाम है कह सकते हैं. ये जो थ्रेशोल्ड देख रहे हैं वाइट स्ट्राइप देख रहे हैं जीब्रा की तरह, यहाँ से रनवे स्टार्ट होता है, यहाँ से आप एयरक्राफ्ट लैंड कर सकते हैं. ठीक है, ये जो मार्किंग देख रहे हैं, मैं आपको एक स्टैंडर्ड मार्किंग पैटर्न बताऊंगा जो यूएस में चलता है हर कंट्री का, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है. ये जो मार्किंग स्टैंडर्ड देख रहे हैं ये 500 फीट पर होती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 500 फीट है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 500 फीट है. तो ये डिस्टेंस जो अपना हो गया ये 1000 फीट का डिस्टेंस हो गया. ये जो लिखा है एमिंग पॉइंट, मतलब जब हम एयर में होते हैं, जब हम अप्रोच बना रहे होते हैं. तो देखिए ये जो पायलट इस समय लैंडिंग के लिए आ रहे हैं, ये इस समय क्या देख रहे होंगे, ये इस रनवे पे अपना एमिंग पॉइंट देख रहे होंगे, अपने जहाज को उस तरफ स्टीयर कर रहे होंगे, एमिंग पॉइंट की ओर स्टीयर कर रहे होंगे. अभी देखते हैं ये कहाँ पे जाते हैं एम करते करते. ये आगे रनवे की थ्रेशोल्ड वाइट ये रनवे थ्रेशोल्ड क्रॉस की, यहाँ पे टचडाउन नहीं होता. ये 500 फीट मार्कर आ गया, ये 1000 फीट मार्कर आ गया, एमिंग पॉइंट था. अब यहाँ से वो फ्लेयर चालू करेंगे तो देखना कब टचडाउन, ये जाके टचडाउन हुआ, ये टचडाउन हुआ. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना आगे जाके एमिंग पॉइंट से टचडाउन हुआ, उसका रीजन आपको बताऊंगा क्या फंडा होता है भाई. तो ये आपका एमिंग पॉइंट होता है, यहाँ पे आप एम करते हैं जहाज को उतारने की और उसके बाद जहाज उतरता है. तो ये जो पूरा एरिया देख रहे हैं आप, जो मार्किंग्स बनी हुई है मेरे भाई, ये होती है अपनी टचडाउन में, मतलब आपको जहाज को इसके अंदर टच करवाना है. उसके बाद जो आगे का रनवे बचा है वो जहाज को डिसेलरेट करके आप फुल स्टॉप तक ला सकते हैं. बट अगर आपका जहाज इसके अंदर टचडाउन नहीं हुआ, यार आप लोग को थोड़े से बेसिक्स में बता देता हूँ क्या होता है. जैसे अगर ये आपका रनवे है और ये आप लैंड करने आ रहे हैं, तो बेसिकली अगर आप अपने जहाज को सीधा छोड़ देंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, जैसे ही जहाज नहीं चलता वैसे ही छोड़ दिया, दुड़ूम जाके जहाज बहुत हार्ड लैंडिंग होगी, तब क्या होगा वो जहाज उस एमिंग पॉइंट पर टच करेगा. क्योंकि जब आप ऊपर से आ रहे एम करते हुए, आप एक प्रोफाइल बना के आ रहे हैं, आपने अगर कुछ नहीं किया, फ्लेयर नहीं किया, जहाज को लैंडिंग नहीं कराई, आपने छोड़ दिया, भूल गए, कुछ नहीं करा आपने, जहाज ठहाँ जाके एमिंग पॉइंट पे टच होगा. लेकिन अगर आपको आपने स्मूथ टचडाउन करना है तो आप एमिंग पॉइंट पे पहुंच के उसको हल्का सा फ्लेयर करते हैं. आप देखते होंगे कि जहाज जब भी लैंड होता है उसका मेन व्हील पहले टच होता है, बाद में नोज व्हील टच होता है. तो जब आपने आप ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, आप ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, आपने फिर लैंडिंग के लिए जब ग्राउंड के पास आ गए, आप नोज उठाएंगे और मेन व्हील टचडाउन होगा. तो उसमें जहाज थोड़ा सा आगे जाता है, इसीलिए हमें थोड़ा एमिंग पॉइंट के बाद ही टचडाउन होता है हमेशा. तो बेसिकली ये आपका अगर रनवे है, ये मान लीजिए आपका थ्रेशोल्ड है, ये आपका एमिंग पॉइंट हो गया, तो आपका जहाज ऐसे आ रहा है, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो वो एमिंग पॉइंट पे जाके धार से लड़ जाएगा. बट आप नीचे आके फ्लेयर करते हैं तो फिर वो हल्का हल्का यहाँ पे टचडाउन होता है और यहाँ पे जाके रुक जाता है. तो ये जोन होती है टचडाउन जोन, इसके अंदर जहाज को टचडाउन होना चाहिए.
मोस्ट ऑफ द केसेस जो ऐसे होते हैं जहाँ क्रैश होता है, जहाज रनवे के बाहर निकल जाता है, उन केसेस में हमेशा से ये होता है कि जहाज टचडाउन जोन के अंदर लैंड नहीं करता। अगर आप मैंगलोर का क्रैश लेंगे जो एयर इंडिया एक्सप्रेस का हुआ था, जो दुबई से मैंगलोर फ्लाइट आ रही थी, उसमें भी ये हुआ था कि जहाज टचडाउन जोन पे टच नहीं होता, जहाज बहुत आगे जाके टच होता। अगर किसी को टेक्निकलिटी बता दें कि टचडाउन जोन क्या होती है, तो फर्स्ट 3000 फीट ऑफ द रनवे यू हैव टू टच डाउन दैट टचडाउन जोन। वो जहाज मेरे ख्याल से शायद 7000 फीट या डोंट कोट मी, वो बहुत आगे जाके टचडाउन हुआ था। ही डिडंट हैव इनफ रनवे टू स्लो डाउन एंड स्टॉप। और अनफॉर्चुनेटली उस दिन वहाँ पे रिवर नहीं थी कोई, वहाँ पे खाई थी। इस केस में भी अगर ये रिवर ना होती, जैसे बहुत सारे एयरपोर्ट हैं दिल्ली बॉम्बे, कितने सारे एयरपोर्ट हैं जहाँ पे वॉल होती है या आगे हाईवे होता है या तो डेड होता है, डेड एंड होता है, तो उस केस में अगर एयरक्राफ्ट ओवरशूट करता है रनवे से तो फेटल हो सकता है यार सबके लिए। आपको गाइज मैं एक इमेज और दिखा देता हूँ कि रात को कैसा दिखता है। तो ये देखिए, रात को अगर आप आते हैं, ये तो रेड लाइट्स हो गई, अप्रोच लाइट्स हो गई। रेड मतलब यहाँ पे आप नहीं टच कर सकते, ये रेड एरिया है, बट ये अप्रोच लाइट्स है, दे गाइड यू टू द रनवे। ये व्हाइट वाली थ्रेशोल्ड हो गई, उसके बाद ये देखिए 500 फीट मार्कर, उसके बाद ये देख रहे हैं मोटा सा, ये है आपका एमिंग मार्कर। बट ये जो लाइट जा रही है ना, ये दिख रही है आपको, ये आपकी टचडाउन जोन है। रात को टचडाउन जोन ऐसे दिखाते हैं क्योंकि हो सकता है रात को मार्किंग नहीं दिखेगी आपको, अभी ये सूरज ढल रहा है और थोड़ी बात देर बाद तो ये व्हाइट वाली मार्किंग भी नहीं दिखेगी। तो दिस लाइटिंग इज द टचडाउन जोन, सो यू हैव टू टच डाउन विद इन द टचडाउन जोन ऑलवेज। जैसे हम लोग इंडिया में भी जो छोटे रनवेज हैं, नेमली पटना का रनवे ले लीजिए, जम्मू का रनवे ले लीजिए, डिब्रूगढ़ का रनवे ले लीजिए, पटना स्पेशली, पटना का रनवे इतना छोटा है कि अगर हम टच डाउन जोन के अंदर नहीं टच होते, वी गो रॉन्ग, वी डोंट टेक एनी चांस, बिकॉज इट्स सच अ शॉर्ट रनवे, इट बिकम्स वेरी क्रिटिकल टू लैंड विद इन टच डाउन जोन। तो यार ये हो सकता है या तो टच डाउन जोन के अंदर लैंड नहीं हुआ। अब क्यों लैंड नहीं हुआ मुझे मत पूछो, बिकॉज इट इज वेरी अर्ली, प्लस आई एम जस्ट टेलिंग यू द पॉसिबिलिटीज व्हाट कुड हैव हैपेंड। सेकेंड पॉसिबिलिटी गाइज क्या हो सकती है, लॉस ऑफ ब्रेकिंग कंबाइंड विद द वेदर इन फ्लोरिडा, क्योंकि वेदर था वहाँ पे। आप अगर आप वेदर रिपोर्ट देखेंगे आपको दिखाएगा वो क्या होता है, टेलविंड्स हो जाती है जब आप फ्लाई करते हैं, और हेडविंड होती तो आपको फेवर करती है। जब आप फ्लाई करते हैं, लैंड करते हैं, टेक ऑफ करते हैं, कुछ भी, आप टेलविंड मिलती है, मतलब विंड आपके पीछे से आ रही है, तो आपको वो फेवर नहीं करती, आपको वो हैम्पर करती है, आपके परफॉर्मेंस को हैम्पर करती है। तो क्या होता है जब आप टेलविंड में लैंड करते हैं गाइस, मतलब आप ऐसे आ रहे हैं और हवा भी पीछे से आ रही है, बहुत तेज हवा पीछे से आ रही है, तो आपकी स्पीड को वो ऑब्वियसली बढ़ा देगी। एयरक्राफ्ट हवा में है और पीछे से टेलविंड आ रही है, द स्पीड विल इंक्रीज, द ग्राउंड स्पीड विल इंक्रीज ऑफ द एयरक्राफ्ट, बिकॉज एयर इज पुशिंग यू, इट्स मेकिंग यू फास्ट। तो रुकने में दिक्कत होगी, और भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं कि जहाज फ्लोट करता है, मतलब कि आप लैंड करने की कोशिश कर रहे हैं उसका, वो नीचे बैठता नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, दैट कैन बी ऑल्सो अ रीजन। वेट रनवे है, स्लिपरी रनवे है, मान लो ब्रेकिंग आपकी ठीक से काम नहीं कर रही, आपके टायर में ग्रूव्स नहीं है, ब्रेकिंग एक्शन गुड नहीं है, और आपकी टेलविंड है, प्लस आप टचडाउन जोन में भी टच नहीं हुए, इट्स अ परफेक्ट रेसिपी फॉर डिजास्टर। सो ये तीन रीजन हो सकते हैं जो मुझे लग रहा है माइट बी अ पॉसिबिलिटी व्हाई दिस एयरक्राफ्ट हैज गॉन पास द रनवे। एंड थैंकफुली यार वहाँ पे रिवर थी, और एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन ऐसा होता है कि वो पानी में फ्लोट करता है, सारे लोग बाहर आ गए, विंग्स के ऊपर आ गए थे, एंड दे गॉट सेव्ड, रेस्क्यू भी पास में था, एयरफोर्स बेस था, रेस्क्यू उनका ऑब्वियसली पास में जल्दी से पहुंच गया। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप जो भी लोग उड़ीसा साइड में हैं, कोस्टल साइड्स में हैं, जो स्टॉर्म आया है उससे सेफ हो, बहुत लोगों को इवैक्यूएट किया गया, वहाँ से रिलोकेट किया गया है, बस भगवान करे कि जल्दी से जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए, एवरीथिंग कम्स बैक टू नॉर्मल, और सबके परिवार सुखी और सेफ हो। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, गिव इट अ थम्स अप इफ यू लाइक दिस वीडियो, एंड जी हाँ अपना प्यार देते रहो बस यार, मतलब बहुत खुशी होती है आप लोग प्यार देते हैं, बस भगवान सब कुछ ठीक रखे यार, किसी को दुख दर्द मत दे।